जयपुर से खबर, जहां बीजापुर में नगर पालिका को चूना लगाने का मामला सामने आया है, जहां नगर पालिका अधिकारी और ठेकेदार मिलकर नगर पालिका को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं। जिससे पुराने बस स्टैंड में बन रही पालिका लॉन्च भी अब विवादों में घिर गई है। लॉन्च की निविदा और आवंटन की प्रक्रिया को लेकर व्यापारी और जनप्रतिनिधि विरोध करने लगे हैं। प्रदेश सचिव अजय सिंह ने कलेक्टर से लिखित शिकायत करके लॉन्च का निर्माण कार्य रोकने की मांग की है। वहीं वार्ड पार्षदों ने सीएमओ पर फर्जी साइन कराकर लॉन्च पास कराने के आरोप लगाए हैं। पालिका के द्वारा जो निर्मित लॉन्च प्रथम तरह जो निर्माण किया जा रहा है, उसको प्रथम दृष्टया देखते ही असंवैधानिक सा महसूस हो रहा है। और इसलिए मैंने संज्ञान में लेकर कलेक्टर जिला कलेक्टर डेडी कुंजाम जी से शिकायत किया है। शिकायत पत्र को माननीय कलेक्टर महोदय ने गंभीरता से लिया है और पूरे प्रकरण में तत्कालीन सीएमओ मोमिन अली जी की मिली भगत साफ जाहिर साफ नजर आ रहा है। नगर पालिका परिषद के सीएमओ मोमिन अली के द्वारा जो पालिका लाज बनाने का निर्णय लिया गया वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि इतने बड़े मुद्दे को परिषद में पास कर इसका निर्माण किया जाना था, किंतु सभी 15 पार्षदों को तत्कालीन सीएमओ मोमिन अली के द्वारा गुमराह करके पहले सिग्नेचर करवाया गया है, बाद में इस मुद्दे को जोड़ा गया।